तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेट टाइम आउट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट के हम सेट टाइम आउट फंक्शन कब यूज करते हैं और इसका सिंटैक्स क्या है। बेसिकली जो सेट टाइम आउट फंक्शन है हम उसको तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को थोड़ा डिले करवाना चाहते हैं। जैसे आप अक्सर वेबसाइट पे जाते हो तो तकरीबन आप 3-4 सेकंड बाद आपके पास एक सब्सक्रिप्शन प्लान जो होता है वो आ जाता है, लेकिन वो फौरन नहीं आता। जब 3-4 सेकंड या कुछ सेकंड आपको एक वेबसाइट पे हो जाते हैं तब वो चीज आती है, पॉपअप होती है, या फिर आपके सामने एक डिस्प्ले शो हो जाता है। तो ऐसी चीजें बनाने के लिए हम सेट टाइम आउट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो इसे सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखना है सेट टाइम आउट, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक आ भी रहा है, इसको अगर मैं एंटर करूँ तो क्या आ गया, सेट टाइम आउट, ये इसका फंक्शन है। सबसे पहले इसके अंदर दो पैरामीटर हम पास करते हैं, एक पैरामीटर होता है हमारे पास कोई फंक्शन और दूसरा जो होता है जो उस फंक्शन में हम कोड लिखेंगे, ठीक है। वो ये होता है टाइम आउट मीन कि कितना टाइम के बाद डिले कराना है उसको। यहाँ पे हम ये मिली सेकेंड्स में होता है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 1000 तो इसका मतलब है 1000 मिली सेकेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई कोड भी लिख सकता हूँ, लेट से मैं लिखता हूँ कंसोल कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये मैंने करा दिया। अब क्या होगा, ये नॉर्मल फ्लो नहीं चलेगा इसका, ये 1000 मिली सेकेंड के बाद चलेगा ये कोड रन होगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो आपको नजर आ रहा है हेलो वर्ल्ड, लेकिन भी आपको क्लियर डिफरेंस नजर नहीं आएगा। मैं यहाँ पे कोड बना देता हूँ हाय, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ उसको रन, तो अब देख हाय पहले प्रिंट हो रहा है हेलो वर्ल्ड पार्ट,